हेलो, सर्किट कॉम्बिनेशन और सर्किट एनालिसिस पे एक और वीडियो। दिस इज प्योरली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। तो क्लास 10th स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। ये तीन क्वेश्चन, ये दोनों एक जैसे लगते हैं और ये तो पता नहीं किस दुनिया का लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए ये पता चल रहा हो आपको कि ये जंप करके जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये टर्मिनल्स दे रखे हैं मैंने, ए बी, यहाँ पे सेल भी लगाया जा सकता है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ओके, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ऐसे वायर जंप करके जा रही है, इमेजिनेशन को इम्प्रूव कीजिए। मैं इसमें मेन चीज, अगर हम सीरीज पैरेलल देखना चाहें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से दिख रहे हैं। आप कई दांव पेच आजमा सकते हो, मेनली करंट यहां से डिवाइड होगा, यहां रिडिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां कंबाइन होगा। एक पल के लिए इस चीज को ढंग से समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि मैं इसे उठा के पलट दूं, तो इसे पलटने के बाद ये सर्किट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। टू ओम अपनी जगह पे, 4 ओम अपनी जगह पे, ये वाला 4 ओम। मुझे इन्हें R1, R2 ऐसे कुछ नाम दे देने चाहिए थे। चलिए पहले ऐसे करते हैं, R1, R2, R3, R4, R5। तो R5 और R3 अपनी जगह पे हैं। मैं इसे पलट दूंगा, इस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। R2 भी अपनी जगह पे है, 2 ओम। ये वाली वायर जब पलटूंगा ये ऊपर चली जाएगी लाइक दिस, 4 ओम, जो कि हमारा R1 था, और ये वाली वायर इधर आ जाएगी। मैं किंक दिखा रहा हूं, अब उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये हो गया R4, ये हमारा A हो गया और इधर हमारा बी हो गया। तो ये वंस अगेन एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, और देखिए ब्रिज बैलेंस्ड भी है। इससे आगे आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब जस्टिफाई हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसे मैं नहीं करवाने वाला, इतना सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। अब इससे आगे आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाला अगेन, करंट यहां से जाएगी, डिवाइड होगी, रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसे होगा और वापस यहां मिलेगी। क्यों ना हम इसे इधर और इसे इधर खोल दें, तो क्या होगा, ये अपनी जगह पे जो रहेगा वो 6 ओम, ये पलटा हमने, ये इधर आ जाएगा 2 ओम, ये इधर आ जाएगा ये 2 ओम, ये इधर आ जाएगा ये ए, ये अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे है, 4 ओम, 4 ओम, और ये हो गया हमारा बी। वंस अगेन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, और सॉल्यूशन का ट्रिक मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, उन्हें आप एक बार चेक कर लीजिए। लास्ट, इसमें ना तो वायर मोड़नी है ना कुछ, फिर इसमें क्या करना है। इसका ये जो अपर पोर्शन है, ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड भी है, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं इसे थोड़ा बनाने की जरूरत नहीं लेकिन आपके समझने के लिए इजी कर देता हूं। ये हो गया 3 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम, और यहां पे एक रेजिस्टेंस और है 2 ओम, ये रहे आपके ए बी टर्मिनल। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से सॉल्व कीजिए और जो इसका आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में जोड़ दीजिए।
इसे खुद अटेम्प्ट कीजिए, प्रॉब्लम होगी अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर इसका सॉल्यूशन वीडियो जारी कर देंगे, अदरवाइज आई होप कि इसके आगे ये काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। ये दो नंबर के क्वेश्चंस हैं, कोई मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं। बाय बाय।